सुरक्षा बल नागपुर की अपराध जांच शाखा ने बोरखेड़ी साइडिंग पर बुधवार तड़के मालगाड़ी से पेट्रोल और डीजल चोरी करने वालों पर छापामार कार्रवाई की। फिल्म स्टाइल में की गई कार्रवाई में दो रेल कर्मियों समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। मालगाड़ी से पेट्रोल व डीजल चोरी करने वाले को बुधवार को आरपीएफ की सीआईबी टीम ने पकड़ा है। कार्रवाई में दो रेलकर्मी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के नाम कृष्णा हजारे, देवेंद्र शेंडे और विनोद पिंपलकर बताए गए हैं। उनके पास से 74 लीटर पेट्रोल, 94 लीटर डीजल और चोरी में उपयोग कार जब्त की गई है। कृष्णा और देवेंद्र पॉइंट मैन के तौर पर रेलवे में कर्मचारी है, जबकि देवेंद्र बोरखेड़ी में बाइक मैकेनिक की दुकान चलाता है। पुख्ता जानकारी के आधार पर पीआई एनपी सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम ने मंगलवार की रात से ही बोरखेड़ी साइडिंग पर फील्डिंग लगा दी थी। बुधवार तड़के पेट्रोल और डीजल चोरी कर विनोद एक कार MH40BC0625 से रेलवे एरिया से बाहर निकलने वाला था। टीम ने उसे घेर लिया। देखिए, यहाँ पे बोरखेड़ी में ऑयल डिपो है जहाँ पे ऑयल टैंकर्स आते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमें यहाँ पे जानकारी मिल रही थी कि यहाँ पे जो खाली टैंकर्स हैं, जो टैंकर खाली हो जाते हैं उसके बाद उनमें जो रेसिडुअल तेल रहता है 5 से 10 लीटर एक वैगन में रहता है, उसको कुछ लोग चोरी करके और मार्केट में खुलेआम बेच रहे थे। तो इसके हमने एम्बुश चेक रखा था। कल हमारी जो क्राइम टीम है उसने रंगे हाथों तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। लगभग 170 लीटर तेल जब्त किया है जिसकी कीमत 17,000 के आसपास है। और इसमें अभी रिसीवर्स जो ये तेल खरीदते थे इनकी गिरफ्तारी होना बाकी है। नहीं, जो इसमें आरोपी हैं, इसमें दो जो वहाँ पे पदस्थ रेलवे कर्मचारी हैं वो हैं, जिनको पता रहता था कि कब रेक आ रहा है, कब जो है वो गुड्स वैगन जा रहा है वहाँ से। और एक जो है वो जो है वहाँ पे एक पास का मैकेनिक है जिस मैकेनिक की शॉप चलाता था, और वो जो गाड़ियाँ मैकेनिक शॉप पर आती थी उनको ये तेल सप्लाई करता था चोरी का। जो भी जानकारी इसमें आती है आगे, रिसीवर्स कौन कौन है उसके बेसिस पे इसमें अरेस्ट किए जाएंगे, चाहे वो सिटी में हो या रेलवे के प्रतिनिधि पास हो। विनोद ने सुरक्षा दीवार फान कर भागने की कोशिश की। कार की तलाशी में सीबीआई टीम को 4 कैन पेट्रोल और 5 कैन डीजल मिला है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।